दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं GCWUF गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एडमिशन 2021 के बारे में, और उसके साथ इस वीडियो में आपको इसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, इसकी मेरिट लिस्ट क्या है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, और भी फर्दर मालूम आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये सारी डिटेल आपको एक वीडियो मिलेगी, तो बरह मेहरबान इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखेगा, और अगर इस चैनल पर नहीं हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी की एडमिशन हो या स्कॉलरशिप हो उसके रिगार्डिंग वीडियोज बनाता रहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से फैकल्टीज़ आ जाते हैं। तो फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन साइंस, एंड फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस। तो इनमें चार फैकल्टीज आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रोग्राम इंक्लूड हैं। तो एसोसिएट डिग्री जो सीजन 2021 से लेकर 23 तक जो 2 साल के जो प्रोग्राम है मॉर्निंग इवनिंग, वो एडुकेशन है कंप्यूटर साइंस में आप अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 2 साल के लिए। फिर बीएस प्रोग्राम जो 2021 से लेकर 25 जो 4 साल के लिए प्रोग्राम है जो मॉर्निंग इवनिंग में है, तो उसमें आ जाते हैं अप्लाइड सोशोलॉजी, अरबिक, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकनॉमिक्स, एडुकेशन, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइन, जियोग्राफी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस्लामिक स्टडी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, उर्दू, जूलॉजी। तो ये सारे प्रोग्राम बीएस प्रोग्राम के हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ प्रोग्राम के आ जाते हैं कुछ प्रोग्राम, और एमफिल, एमफिल, पीएचडी के और बीएड 1.5 इयर्स के जो माइनिंग इवनिंग प्रोग्राम है। तो ये सारी डिटेल थी फैकल्टी और प्रोग्राम के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। फीमेल हैविंग डोमिसाइल ऑफ पंजाब एंड हैविंग एट लीस्ट 45 मार्क्स। जो फीमेल्स पंजाब का डोमिसाइल है और जिनके 45 मार्क्स इंटरमीडिएट में हैं, तो वो एलिजिबल हैं। अगर वो कंप्यूटर साइंस से आईटी में अगर जाना चाहते हैं तो उनके 50% लाजमी हैं इंटरमीडिएट में। और जो स्टूडेंट पंजाब का डोमिसाइल नहीं है और दूसरे प्रोविंस के, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो नॉमिनेशन लेटर के ज़रिए एडमिशन ले सकते हैं, और स्टूडेंट की एज है वो 22 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और जो स्टूडेंट जिन्होंने 2020 और 2021 में इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है तो उनकी जो मेरिट लगेगी तो वो FSA के मार्क्स के बेसिस पर लगेगी। अगर जो स्टूडेंट 2019 या 2018 में उन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है तो वो इवनिंग प्रोग्राम के लिए सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, मॉर्निंग के लिए नहीं कर सकते। और कुछ डिपार्टमेंट्स की एप्टीट्यूड टेस्ट भी कंडक्ट की जाएगी, बीएस फैशन डिज़ाइनिंग, फाइन आर्ट्स, बीएफए एंड ग्राफिक डिज़ाइन की एप्टीट्यूड टेस्ट भी कंडक्ट की जाएगी। और यहाँ पे 4% सीट्स ऑफ फाटा, 2% फॉर फाना गिलगित बल्तिस्तान, 1% ऑफ बलूचिस्तान, 1% फॉर कश्मीर, 1% फॉर गवादर, ओनली बीएस प्रोग्राम के लिए। एंड देर विल बी नो रिजर्व सीट्स वेर एंट्री टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर क्वालिफाइंग फॉर सीकिंग एडमिशन। अगर हम बात करें बीएस सेल्फ फाइनेंस की, जो 20 सीट्स होंगी मॉर्निंग के प्रोग्राम और 20 सीट्स होंगी इवनिंग प्रोग्राम हर एक डिसिप्लिन में, और इनको जो नॉर्मल फ़ी है उनके साथ उनको 30,000 भी एडिशन फ़ी भी सबमिट करानी पड़ेगी। अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, जो एसोसिएट डिग्री ऑफ एजुकेशन जो दो साल की जो डिग्री है, तो उसकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी है वो 28,000 रुपीज़ लगभग है, और उनकी जो टोटल जो है इनकी वो 97,000 के लगभग है। अगर हम बात करें बीएड प्रोग्राम 1.5 इयर्स की, तो उसकी जो फर्स्ट सेम जो फ़ी है वो 33,000 रुपीज़ के लगभग है, और उनकी सेकंड सेम की 29,000 के लगभग, और उनकी जो टोटल बनती है वो 92,000 के लगभग बनती है। अगर हम बात करें बीएस प्रोग्राम मॉर्निंग के लिए जो साइंस प्रोग्राम है, तो उनकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी है वो 30,000 रुपीज़ है, और उनकी सेकंड सेमेस्टर की वो 23,000 रुपीज़ है, और उनकी जो टोटल बनती है वो 2 लाख बनती है पर सेमेस्टर, सॉरी 20 लाख बनती है 8 सेमेस्टर के लिए। अगर हम बात कर लेते हैं इनकी जो नॉन साइंस फॉर ये प्रोग्राम की, तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी है वो 28,000 है, और सेकेंड सेमेस्टर की वो 21,000 रुपीज़ है,
और जो इनकी टोटल बनती है वो 183,000 की लगभग बनती है, जो टोटल एट सेमेस्टर की। अगर हम बात करें मॉर्निंग बीएस कॉमर्स, बीबीए, बीबीए बैंकिंग फाइनेंस, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है वो 31,000 रुपीज़ है, सेकेंड की 24, और उनकी जो टोटल बनती है वो 20,00,000 एट सेमेस्टर की बनती है। तो अगर हम बात कर लेते हैं फोर्थ ईयर के बैचलर बीएस मॉर्निंग प्रोग्राम बीएस कंप्यूटर साइंस एंड आईटी की, तो उनके फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी बनती है वो 39,000 बनती है, जो सेकंड की 32, और उनकी टोटल जो बनती है 2,72,000 के लगभग बनती है। अगर हम बात कर लें बैचलर फोर ईयर मॉर्निंग फाइन आर्ट्स एंड ग्राफिक डिज़ाइन, जो उनकी फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी बनती है वो 32,000 बनती है, और उनकी एट सेमेस्टर की जो फ़ी बनती है वो 28,000, और उनकी जो टोटल बनती है वो 2,70,000 की लगभग बनती है। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएस प्रोग्राम के सीएस के बारे में, तो इनकी जो अप्लाइड सोशोलॉजी है तो उनकी मॉर्निंग में 60 है और इवनिंग में 60 सीट्स हैं। अरबी के मॉर्निंग में 60 और इवनिंग में 60, बॉटनी के मॉर्निंग में 60 और इवनिंग में 100 हैं। इसी तरह केमिस्ट्री के 60 मॉर्निंग में और 100 इवनिंग में, और इकोनॉमिक्स के 60 मॉर्निंग में और 60 इवनिंग में, फाइन आर्ट के 25 मॉर्निंग में और 25 इवनिंग में, और मैथमेटिक्स के 60 मार्क्स 60 मॉर्निंग में और 100 इवनिंग में, और सोशोलॉजी के 60 मॉर्निंग में और 60 इवनिंग में, और जूलॉजी के 60 मॉर्निंग में और इवनिंग में 100 सीट्स आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लाई फॉर एडमिशन, जो एमएस एमफिल पीएचडी में उनकी लास्ट डेट 30 अगस्त है, और जो एडीपी बीएस प्रोग्राम बीएडी 1.5 ईयर उनकी जो 30 सितंबर लास्ट डेट है, और उनका जो चालान है वो 2,100 रुपीज़ है। अगर वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें 500 रुपीज़ और एडिशनल अमाउंट देना पड़ेगा उनको। जैसे कि अगर आप एक प्रोग्राम में आप फिल करते हो फॉर्म को तो आपको 2,100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, अगर आप दो प्रोग्राम में फिल करना चाहते हैं फॉर्म को तो आपको 2,600 रुपीज़ देने पड़ेंगे, अगर आप तीन डिसिप्लिन में अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको 3,100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और जो सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम में स्टूडेंट फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनकी भी ये सेम स्ट्रेटजी है। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी एप्टीट्यूड टेस्ट शेड्यूल की, तो ओनली फॉर बीएस फाइन आर्ट बीएफई ग्राफिक डिज़ाइन इंफॉर्मेशन डिज़ाइनिंग, जो जनरल एडिटर जो इनकी जेसीडब्ल्यूएफ में होगी, उनकी जो फर्स्ट अक्टूबर को उनकी टेस्ट होगी, टाइम 9 सुबह 9 बजे, और जो बाकी जो प्रोग्राम है उनकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी तो उनकी एफएससी के मार्क्स के बुनियाद पर लगेगी। तो अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि आप अपना फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट विल फॉर्म ऑनलाइन, आपको फॉर्म ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा, इनकी वेबसाइट भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनका जो वो डाउनलोड एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी वाउचर होगा जो उनका है वो यूबिल बैंक में आपको डिपॉजिट कराना है, और यहाँ पे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ डिपॉजिट स्लिप फॉर प्रोसेसिंग फ़ी, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ इंटरमीडिएट रिजल्ट, स्कैन कॉपी ऑफ एनआईसी या पे फॉर्म, तो ये इनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इनको सबको आपको स्कैन करके सबमिट कर देना है इनके फॉर्म में। और यहाँ पे लिखा है ओनली ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म विल बी कंसीडर्ड, ठीक है, हार्ड कॉपी वाला फॉर्म ये एक्सेप्ट नहीं करें, सिर्फ ऑनलाइन आपको सबमिट कराना है। और इनका जो फॉर्म है उसकी जो अवेलेबिलिटी वो 6 सितंबर से हो जाएगी, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, तो आप 6 सितंबर के बाद आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और इस चैनल पे ज़रूर दूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जैसे इसका फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं इसका जैसे वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इनके जो एमफिल पीएचडी इनकी जो आप इनका जो अवेलेबिलिटी शुरू हो गई है, सोलह अगस्त शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आज का वीडियो इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इसके एडमिशन रिकॉर्ड तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, और भी स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ मैंने बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड कर दिए मेरे चैनल पर, आप यहाँ से विजिट करके वॉच आउट कर सकते हैं।